जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो बना के और उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ SSC GD की सेकंड लिस्ट को लेकर, क्योंकि पहले से आप लोगों को ये पूछ रहे थे कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, क्या सेकंड लिस्ट क्या आएगी। तो बिल्कुल आप लोगों को सेकंड लिस्ट आ गई है और कट ऑफ के साथ आ रही है। हर प्रदेश की अलग अलग कट ऑफ हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब मेल कैंडिडेट में जनरल डिस्ट्रिक्ट से भी जो आता हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो आता हो, नक्सल एरिया से आता हो, ऐसे महिलाओं में भी हैं। तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बनाए गए। पहले तो आपकी फर्स्ट कट ऑफ आई, यानी कि फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें भी आपकी कट ऑफ अलग रखी गई है। आपके अलग प्रदेशों की अलग अलग कट ऑफ रखी, जैसे जनरल OBC SC ST की रखी गई थी, ऐसे इस बार भी है। हर प्रदेश की अलग अलग कट ऑफ रखी गई हैं। कुछ प्रदेशों की जो कट ऑफ है वही है, कुछ प्रदेशों की कट ऑफ उससे कम है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्यों वही रह गया, या कट ऑफ बढ़ गया तो क्यों बढ़ा, यदि कट ऑफ कम हुआ तो क्यों हुआ। पहले मैं बात कर देता हूँ जो पहले कट ऑफ में बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ जो निकला था आपकी मेरिट उस पर आप फिजिकल दिए हैं, आप क्वालिफाई हैं, तो आप टेंशन ना लो, आप क्वालिफाई होंगे, आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा। तो आपके लिए कुछ भी नहीं, आप कोई भी डरने वाली बात नहीं है। ये उन कैंडिडेट का है जो सेकंड लिस्ट में नाम आया है, लेकिन इसमें आपको समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आप वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप उनकी वीडियो देखकर, किसी की वीडियो देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको सारी बातें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैं आपको इस वीडियो में जो जो आपके मन में है मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई नहीं आ रही है, मैं उस बात को क्लियर कर दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और आप कमेंट बीच में मत करना, कमेंट आप लास्ट में करना जब आप वीडियो देख लेंगे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आपसे एक काम करना होगा, आपको वीडियो को लाइक करना होगा, अपने दोस्तों में शेयर करना होगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। कोई भी अपडेट आता हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे वैकेंसीज हो, कोई भी हो, A to Z कोई भी आते हैं तो आपको सही और सटीक मिलती है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको एक एक बातें समझाते हैं, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, बीच में बिल्कुल भैया स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये 12 तारीख है, 12 सितंबर आज के डेट को, या कि 12 सितंबर को एक नोटिस आया है जो कि कांस्टेबल GD इन CAPF NIA SSF एंड आसाम राइफल GD, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसको मैं डाउनलोड करता हूँ नोटिफिकेशन में, ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया हूँ। आप इनकी ऑफिशियल साइट पर ही आप इसको भी यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जो किया हूँ उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन जब उसको डाउनलोड करोगे या तो ये नोटिफिकेशन हो, क्योंकि मैं उसको वहाँ से डाउनलोड करके क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर ये मैं फ्लाइट मोड कर रखा हूँ, क्योंकि मैं अक्सर अपने जो नंबर होते हैं पर्सनल नंबर और व्हाट्सएप नंबर वीडियो में देता रहता हूँ, तो लोग कॉल और मैसेज करते रहते हैं, इसलिए मैं फ्लाइट मोड कर दिया ताकि किसी कॉलर ने मैं अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ और अच्छे तरीके से बेहतर आपको बता सकूँ। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट आप कांस्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी CAPF NIA SSF एंड आसाम राइफल, ठीक है। और ये जो आया हुआ है आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2018 रिवाइज रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट यानी PT और फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST के रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्ड्स जो है इसी के अकॉर्डिंग आपकी ये नोटिस आई हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट लिस्ट है, रिवाइज आंसर है आपकी, ठीक है, एग्जामिनेशन रिवाइज रिजल्ट जो आपकी है, आंसर नहीं करते हुए आपकी रिजल्ट रखी गई है। अब बात करते हैं जो शिफ्ट थी, इन जो 8 शिफ्ट हैं, इन 8 शिफ्ट में यदि आपके पेपर हुए थे, जैसे कि सीरियल नंबर है, ये शिफ्ट है और ये नंबर आप रिवाइज आंसर की है, यदि आप 11 तारीख को पेपर था और शिफ्ट 2 में है तो आपका नाम आ गया होगा, 11 में था शिफ्ट 3 में है तो आपका नाम आया होगा, 12 में था शिफ्ट 2 में है तो आपका नाम आया होगा, 21 को था तो शिफ्ट 3 में था तो आपका नाम आ गया होगा, यदि 1 तारीख को था तो आपका नाम आ गया होगा, यदि 2 को था तो आपका नाम शिफ्ट 2 में तो भी आ गया होगा, और 7 और 11 को था तो भी आपका नाम इसमें आएगा। और भी शिफ्टों का नाम इसमें दिए गए होंगे, लेकिन इन्होंने मेंशन केवल 8 का ही किया गया है,
और नीचे भी क्लियर हो जाता है कि आप कैसे उसको चेक करोगे। तो बात हो गई इन 8 सेक्शन में, यदि आपका पेपर हुआ था आपका नाम डेफिनेटली जरूर आएगा, आप इसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो चलिए अब नीचे आपको बताते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पर आती है, ये आपको यहाँ पर आई, यहाँ पर इतने चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला वाला जो कि 426 फीमेल कैंडिडेट हैं, वो पहले नॉट क्वालिफाइड थे, लेकिन अब वो क्वालिफाइड हैं पीटी एंड पीएचटी अगेंस्ट वैकेंसी टू जनरल एरिया लिस्ट वन है। वो जो महिलाएं हैं जनरल एरिया से आती हैं, उनका लिस्ट वन में नाम रखा गया है, जो कि 426 महिलाएं हैं जो कि पहले नॉट क्वालिफाइड थी बट नाउ क्वालिफाइड फॉर पीएचटी, लेकिन अब वो क्वालिफाई पीटी पीएचटी के लिए हैं। ऐसे बी में 151 फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि लिस्ट टू में रखी गई हैं, जो कि बॉर्डर एरिया से आते हैं। और तीसरा है आपकी 116 फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि आपके लिस्ट थ्री में हैं, जो नक्सल एरिया से आती हैं। और दो महिलाएं ऐसी हैं जो कि आपके एनआईए और एसएसएफ में लिस्ट फोर में रखा गया। मेल ऐसे कैंडिडेट जो 1750 हैं और उनका जो नाम आया हुआ है जनरल एरिया से, वो लिस्ट फाइव में है। 444 मेल कैंडिडेट हैं जो बॉर्डर एरिया से आते हैं। 837 मेल कैंडिडेट हैं जो कि नक्सल एरिया से आते हैं, वो लिस्ट सेवन में हैं। और ऐसे कैंडिडेट हैं जो 334 फीमेल कैंडिडेट थे जो डिक्लेरेशन क्वालिफाइड नॉट टू क्वालिफाइड पीएचटी, जो उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन डाला था, उनके नाम आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इनमें पूरे नाम रखे गए हैं, यहाँ पर भी आप इसको चेक। और फीमेल कैंडिडेट जो कि 2275 कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था, उनके नाम भी आ गए हैं। अब बात करते हैं इसमें, अब इसमें आप कैसे चेक करोगे। पहले मैंने आपको बात बताया था कि लिस्ट वन में फीमेल कैंडिडेट ऐसे फीमेल कैंडिडेट हैं जो एसएसएफ के लिए केवल क्वालिफाई हुए हैं, ये एसएसएफ वालों के लिए है। पहला जो होता है, ये पहला जो होता है इस कैटेगरी है, पहला एससी होता है, दूसरा एसटी होता है, तीसरा जो सिक्स नंबर है ये आपका ओबीसी होता है, और जो नौ नंबर है ये आपका जनरल होते हैं, एक कोड नंबर है, ठीक है। और कितने अवेलेबल थे, यानी कि ये एससी वाले जो 100 थे, एसटी वाले 70 थे, और ओबीसी 180 थे, और जनरल 400 थे। अब इनके मार्क दिए गए हैं जो 75, 72, 73, 79, 80 रखी गई हैं। पार्ट वन है, पार्ट बी है, थोड़े से पार्ट वन पार्ट बी में थोड़े से समझने और समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इससे कोई मतलब आपका नहीं, इससे आप थोड़ा सा मत ध्यान दीजिएगा। और ऐसे कैंडिडेट का नाम आप देख सकते हैं जो 10/11/1994 हैं, उन कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। ये इन कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, आप डेट ऑफ बर्थ अपना मिला लीजिएगा। और ये जो हैं 9/8/1998, 12/10/1995, 15/8/1997, यही कन्फ्यूजन हो रही है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसे करके जो ऐसे महिलाएं हैं जो कि जनरल डिस्ट्रिक्ट से आती हैं, वो यहाँ पर एससी के इतने कैंडिडेट, एसटी के इतने हैं, ओबीसी एसटी मिला जो कि इतने कैंडिडेट पास हुए हैं। तो आप ऐसे करके चले आना। अब आप यहाँ पर बात करते हैं मेल कैंडिडेट की। अब मेल कैंडिडेट आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे मेल कैंडिडेट जो एनआईए और एसएसएफ में क्वालिफाई हुए हैं, जो कि आप यहाँ पर कोड कैटेगरी देख सकते हैं, जो आपका दो था एसटी का था, और आपका तीन यहाँ पर रखा गया, छः जो तीन रहता है एक्स सर्विस मैन है, छः जो रहता है ओबीसी रहता है, नौ जो रहता है वो जनरल रहता है, और एक जो है एससी रहता है। तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं, और ये कट ऑफ है, और पार्ट वन पार्ट बी है। तो आप का जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि एसटी कास्ट के हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ 5/3/1996 है, तो आप क्वालिफाई हैं। तो अपना ये आप इसको अपना अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपके जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इतने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इधर कट ऑफ की। तो कट ऑफ किसी किसी प्रदेश की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ यहाँ पर आपकी रखी गई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो जी रहता है जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उनकी है, कैटेगरी रखी गई है, कितने बच्चे अवेलेबल थे, कट ऑफ जो रखी गई ये है। अब आपका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर मिला लीजिएगा, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार से हैं, ठीक है, जो कि जो जनरल एरिया से हैं, 9 यानी कि जनरल से हैं। तो कुल 16 बच्चों ने पेपर दिया है, 16 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और उनकी कट ऑफ जो बनाई गई है 80.90, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है 1/7/1997। ऐसे करके आप अपने अपने प्रदेश का देख लीजिएगा, सारे प्रदेशों का नहीं बता मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो नहीं बना मिलेगा, ना आप उसको देख सकोगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ यूपी वालों की। यूपी वालों की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है, इस कारण से मैं उनका बता दे रहा हूँ।
यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आपको यहाँ पर बात करते हैं हम जनरल वालों की। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप एससी कास्ट के हैं तो आपकी जो कट ऑफ बनाई गई है 62.16 है और इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ 1/12/1996 है। 1/12/1996 तो आप इसमें क्वालिफाई हैं। और आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप एसटी कास्ट के हैं तो आपकी 59.42 कट ऑफ बनाई गई है और आपका डेट ऑफ बर्थ 13/6/1998 है। और उत्तर प्रदेश से हैं, आप ओबीसी से आते हैं तो आपका कट ऑफ 69.70 है और आपका डेट ऑफ बर्थ 4/2/1995 है। और उत्तर प्रदेश से हैं, आप जनरल से आते हैं तो आपका कट ऑफ 69.92 रखा गया है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1999। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो आप अपना इस लिस्ट में नाम चेक करना, यदि आप नक्सल एरिया से आते हैं तो आप नीचे वाले में आप इसको चेक करते रहना, जिस एरिया में आप आते हो वो भी आप आपको अच्छे तरीके से देख लेना। तो और भी कोई चीज़ मेरे हिसाब से छूट नहीं रही, क्योंकि आपको यहीं पर समझने में दिक्कत होती है कि डेट ऑफ बर्थ क्यों लिखा गया, तो डेट ऑफ बर्थ वही है जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। ये तो आप डेट बर्थ ही है। और सबसे पहले आप ऊपर देख लेना कि आप इन सिस्टम में आपका पेपर हुआ था तो आप पक्का इसमें क्वालिफाई हुए हैं। अब उनकी बात नहीं कर सकते हैं जो कि 15-20 नंबर पाए, उनके लिए ये चीज़ें नहीं रखी, जिनके बच्चे आसपास थे वो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं। तो काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो मेरे तरफ से बेस्ट आप लग, आप क्वालिफाई हैं और आप तैयारी करिए। और आपके एडमिट कार्ड, ये मत कहिएगा भैया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड आपके 25 सितंबर के बाद ही आएंगे, क्योंकि 25 सितंबर तक फर्स्ट वालों का चल रहा है, तो 25 सितंबर के बाद ही आपका आएगा, 25 सितंबर के बाद ही आपका पीएचटी होगा। अब जो जिन लोगों का मेडिकल होना जो फर्स्ट वाले हैं, तो उनका भी जो मेडिकल होगा अब दिसंबर के लास्ट तक होने के चांस, अब इस बीच में नहीं हो पाएगा। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही और कोई कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो मैं उसको वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे, यहाँ तक आपको देखा होगा तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आए हों तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में अपने शेयर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी इंस्टाग्राम, कहीं भी आप शेयर इसको कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।